नमस्कार, बंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है मिलिंद नार्वेकर जी। जी हां, उद्धव ठाकरे के खासम खास उनके भरोसेमंद साथी जो मिलिंद नार्वेकर हैं, उनके बारे में अलग अलग खबरें आ रही हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर में खबर क्या है, क्यों ऐसा आ रहा है। सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में, मिलिंद नार्वेकर जी के बारे में? आप बहुत उनके करीबी हो और आपसे बात होती रहती है जी। कुछ गड़बड़ खबर आ रही है, उद्योग के खिलाफ गड़बड़ आ रही है। नहीं, कैसे हैं कि ये बात सही है कि मिलिंद नार्वेकर मेरे अच्छे मित्र हैं जी। वैसे मिलिंद नार्वेकर में, नार्वेकर के बारे में बोलने को जाएंगे तो सिर्फ मेरे ही मित्र नहीं, वो जगन मित्र हैं। ओ, मतलब उनके लिए अंतर्विरोधी हितशत्रु हो सकते हैं, उनके है भी। मगर महाराष्ट्र के जिन पत्रकार या कलाकार या राजनेता, उनमें से अगर आप देखेंगे तो जितने भी टॉप में है सब लोग, क्रीम ऑफ द सोसाइटी, उद्योगपति, इन सबसे मिलिंद नार्वेकर के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और वो इसलिए है कि वो पहले बाला साहब और पूरी दुनिया इनके बीच का एक कड़ी था। अभी बाद में ऐसा है कि वो उद्योग का और दुनिया का जो संबंध है उसका भी एक कड़ी था, मगर ऐसी कई कड़ियां बाद में उद्योग जी ने जोड़ ली। मगर जब तक बाला साहब थे उनका मेन कड़ी यही था। अभी इसका स्वभाव मिलिंद का ऐसा है कि उसके बारे में ना मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है लोगों के दिल में, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी बड़ा नेता होता है तो उसके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग रहते हैं उनके बारे में, उनके कार्यकर्ताओं के मन में, उनके नेताओं के मन में, आम जनता के मन में एक मत्सर बोलते हैं हम लोग, असूया, ईर्ष्या वो रहती ही है कि भाई हम जिनको देख भी नहीं सकते इनके रात दिन ये करीब रहते हैं, वो एक ईर्ष्या की भावना और ये दुष्टता की भावना, द्वेष की भावना रहती है। और दूसरा ऐसा होता है कि ये कुछ करे न करे, वो लोगों के मन में ऐसा आता है कि वो नेता जो भी कर रहा है वो इनके कहने से कर रहा है। ये सभी नेताओं की ट्रेजेडी है। अभी शरद पवार के बारे में आप देखेंगे तो उनके भी इर्द गिर्द कुछ लोग हैं तो उन लोगों को ब्लेम किया जाता है। सुप्रिया सुले के इर्द गिर्द लोग हैं उनको ब्लेम, अजीत दादा के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको ब्लेम किया जाता है, फडणवीस के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी ब्लेम किया जाता है। फडणवीस के बारे में भी जब बीजेपी के कुछ नेता टीका टिप्पणी करते हैं तो उनका नाम नहीं लेते, वो उनके आजू बाजू वालों का नाम लेते हैं। तो ये सबके बारे में, सभी बड़े नेताओं के बारे में होता है, जो बाला साहब के बारे में भी होता रहा और उद्धव जी के बारे में भी होता रहा। अब ऐसा है कि आप अगर मिलिंद नार्वेकर से मिलेंगे तो एक बात है कि वो बहुत प्रैक्टिकल है, और लोगों को जो लगता है कि उनमें अहंकार है, अहम भाव है, वो खुद को बहुत ज़्यादा समझते हैं, उद्धव से भी ज़्यादा समझते हैं। बाला साहब के लिए भी उनके मन में ऐसा था कि मैं हूँ करके ये सब हो रहा है, तो उनके आप उनको मिलेंगे तो आपके बराबर विपरीत दृश्य आपको देखने को मिलेगा। मैं कई बार उनसे बात कर चुका हूँ और मैं कह सकता हूँ कि खाली पॉलिटिकल रिलेशनशिप नहीं, पर्सनल फ्रेंडशिप है मेरी उनसे। तो मैं उनको बहुत समझने की कोशिश हमेशा करता रहा और मैंने देखा है कि वो अपनी एक भूमिका निश्चित किए हुए हैं, और वो भूमिका है एक सपोर्टिंग। सर देखो, किसी भी फिल्म में एक हीरो रहता है और एक सहनायक रहता है, सहनायक वो दिखाते हैं या हाँ दिखाते वो सह कलाकार बोलते हैं उसको। तो मिलिंद ने कभी भी मुख्य कलाकार बनने की सोची नहीं ज़िंदगी में, वो हमेशा सह कलाकार बनने में ही अपनी भूमिका का संतुष्टि पे रहा। चाहते तो आमदार खासदार कुछ भी बन सकते थे। हाँ, बन सकते थे ना, उसका खाली मंत्री भी बन सकते थे। उनका खाली बाला साहब को 95 में और उद्धव जी को अभी 2.5 साल पहले खाली, और उसके पहले भी उनकी सत्ता थी ये एक बार। तो उस समय अगर वो बोलते कि मुझे आमदार बनना है, मुझे ये बनना है, तो उद्धव ना नहीं बोलते थे उनको। मगर दो बातें हैं कि इसमें उनका बड़प्पन भी है कि खाली उद्धव जी को या इनको बोलने से उनको मिल जाता था, आमदार की मिल जाती थी, मंत्री पद भी मिल जाता था, मगर उन्होंने इसको प्राधान्य दिया कि मैं ये नेताओं के, ये जो परिवार है ठाकरे परिवार, उनकी सेवा में लगा रहा हूँ, शिवसेना की सेवा में लगा हूँ, शिवसेना का जिसमें भला है उसके लिए जितना भी मैं कर सकूँ वो करना चाहिए। आमदार बन के या मंत्री बन के जो मैं कर सकता हूँ उसमें, सर होता भी क्या है ना कि एक बार आप आमदार अगर बन गए ना तो 288 आमदार हैं उनमें से एक हो जाते हैं,
आप अगर मंत्री बन गए तो 42-40 जो भी मंत्री रहेंगे उनमें से एक हो जाते हैं। अभी कैसे है ना कि मिलिंद नार्वेकर अकेला ही है, दूसरा कोई मिलिंद नार्वेकर नहीं है। ये कोई मंत्री बन जाते थे तो ऐसे बहुत सारे मंत्री, मतलब ऐसा बोलते भी थे लोग कि तुम्हारे सर के पुष्कर मंत्री है, पुष्कर आमदार है, वो नहीं बनना चाहते। उनका एक ध्येय ऐसा था कि मैं कुछ अलग रहूँगा, अलग बनूँगा और मैं ये मंत्री या आमदार होके जो कर सकता हूँ उससे ज़्यादा यहाँ पे रह के कर सकता हूँ। वो उद्धव के ज़माने में, मतलब वो मुख्यमंत्री थे उद्धव जी, तब वो OSD भी थे, मतलब ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। पर ये OSD खाली उनको सुविधा और साधन मिलने के लिए उद्धव जी ने उनको दिया था, पर बात ऐसी है कि वो OSD जन्म भर रहे, जिंदगी भर वो बाला साहब के OSD रहे, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। ये स्पेशल शब्द जो है वो मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा, क्योंकि सर कैसे है ना, राजनेता को पॉलिटिकल मिशंस बहुत रहते हैं। ऐसा आपको जो ऊपर ऊपर से दिखता है उसके पीछे, पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है, और उसके लिए एक ऐसा आदमी लगता है कि जो ज़्यादा फोकस न हो। अभी कैसे संजय राउत है, संजय राउत घर से निकलता है तो भी सामने TV का कैमरे रहते थे, गाड़ी से वो किधर जाता तो उसको फॉलो करते थे कि अभी संजय राउत चले शरद पवार के घर, अभी मातोश्री पे संजय रोज जाता था ऑलमोस्ट जी, फिर भी वो न्यूज़ संजय राउत मातोश्री वाले, अरे ये क्या न्यूज़ है। मगर वो फोकस एक बार हो गया ना तो वो फोकस रहता है। मिलिंद नार्वेकर के ऊपर आपने वो फोकस कभी नहीं देखा, और उसने भी वो लिया नहीं, वो चाहता था। तो उसके मित्र पत्रकारिता में भी इतना है कि रोज़ उसका नाम, संजय के बाद उसका नाम आता था, वो रोज़ स्टेटमेंट कर सकता था कुछ ना कुछ, क्योंकि उसको जितनी मालूम है शायद ही महाराष्ट्र में उद्धव के बारे में, बाला साहब के बारे में, उनकी नीति के बारे में, राजनीति के बारे में, पॉलिसी के बारे में, उनके रिलेशन के बारे में, ये मिलिंद नार्वेकर को जितनी मालूम है तो किसी को नहीं है। मगर उसने कभी मुंह खोला नहीं, उसने कभी इंटरव्यू नहीं दिया, कभार ऐसा छोटा सा ट्वीट किया, उसके परे वो कभी गया नहीं। इसका कारण मेन यह है कि उसने ऐसा सोच लिया था कि मैं अंदर रह के, कुछ लोग क्या बोलते हैं, मैं बाहर रख के मदद करूँगा। अभी फडणवीस साहब को चीफ मिनिस्टरशिप नहीं मिला तो उनकी पहली प्रतिक्रिया थी कि मैं बाहर रह के मदद करूँगा। ये उल्टा है, मेरे को कोई पद चाहिए ही नहीं, अंदर रह के, मतलब उद्धव जी के, बाला साहब के निकट रह के मैं जो उनके लिए जो काम करना है वो करूँगा। इसमें सर धोखा भी ऐसा रहता है कि ये सबसे संबंध रखता है, BJP वालों से इसके संबंध है, फडणवीस के, इसका फ़ोन अगर सामने मिलिंद नार्वेकर का नाम आता है तो महाराष्ट्र में मेरे को नहीं लगता कोई नेता होगा जो उनका फ़ोन नहीं लेता होगा, फ़ोन उठाता नहीं होगा या उनसे बात करता नहीं होगा, मिस कॉल हुआ तो भी बाद में बात नहीं करता, ऐसा कोई पत्रकार नहीं, कोई नेता नहीं, किसी पार्टी का नेता नहीं। क्योंकि कैसे है ना कि उसकी भूमिका जो है वो बीरबल की भूमिका है, और वो भूमिका कुछ लोग गलती करते हैं कि वो समझते हैं कि मिलिंद के कहने से या सलाह से उद्धव जी चलते हैं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे सलाहकार बहुत सारे होते हैं मगर सबकी सलाह लेके ऐकावे सगळ्यांचे करावे मनासे, ये लीडर लोगों का आदत रहता है। तो मिलिंद नार्वेकर का जो है वो उसने एक अपनी भूमिका लिया। अभी जो न्यूज़ अभी सुबह से TV पे आ रही है कि मिलिंद नार्वेकर शिंदे साहब से जाके मिल रहे हैं, तो उसके बारे में मैं निश्चित तौर पे सबको बताना चाहता हूँ, बता रहा हूँ, और ये बात सच निकलेगी तो आप मुझे क्या बोलते हैं, अभिनंदन करना मेरा कि मिलिंद नार्वेकर किसी भी हालत में शिंदे गुट में नहीं जाएंगे, शिंदे गुट में कभी भी वो नहीं जाएंगे। इसका कारण है, लेकिन सर हमने कई बार वीडियो बना चुके हैं कि शिंदे गुट में जा सकते हैं। नहीं, हमने जब बनाया तब मेरी उनकी विस्तार से चर्चा नहीं हुई थी। अभी ये बात है कि मैं हाल ही में उनके घर गया था और करीबन हम 2 घंटा चर्चा कर रहे थे। उस समय उन्होंने अपना जीवन जो है वो मेरे सामने ऐसा खुली किताब की तरह रख दिया, और वो बोले आप ये जो बोल रहे हैं कि मैं जाऊंगा उधर वगैरह, तो बोले ऐसा कभी नहीं होगा। मैं शपथ लेके कहता हूँ, उस समय कोई श्री गणेश का उनके घर में ये निवास था, तो बोले मैं गणपति जी शपथ घेऊन मी सांगतो कि मैं कभी ही उद्धव जी ना सोडणार नहीं, मैं कभी ही शिवसेना सोडणार नहीं। तो उसके पहले के वीडियो जो हमारे थे उसमें जो लोग बोलते थे उसके आधार पर हम बोलते कि हाँ ये संभव है, मगर अभी मैं बोल रहा हूँ उसमें तथ्य ज़्यादा क्यों है कि मेरी मिलिंद नार्वेकर जी से बात हुई है, और उस दिन से मेरे ख्याल से आज तक हमने एक दो दिन के बाद बात हुई है। तो जितना मैं उनसे बात कर रहा हूँ उसके अनुसार मेरे को लगता है कि 100%
100% वो कभी छोड़ेंगे नहीं। उसके दो कारण हैं, एक तो वो ना बहुत गरीबी से ऊपर तक आए हैं, बहुत गरीबी देखी है उन्होंने, बहुत मेहनत की है, पूरा जिंदगी जो है वो एक समर्पित शिवसैनिक जैसा रहता है उस हिसाब से उन्होंने गुजारी है। और बाला साहब का भरोसा जितना आसान नहीं था। एक मज़े की बात मैं आपको बता सकता हूँ कि बाला साहब ठाकरे के मैं बहुत करीब था, तो उनके यहाँ हम लोग बैठते थे, तो उनके टेबल पर एक ऐसा टेबल था उसके ऊपर फ्रेम्स रहते थे, एक छोटा फ्रेम रहता था, उसमें कोई बाबा का फ्रेम, महाराज, बुआ, सतपुरुष, ऐसा किसी का फ्रेम होता था। तो मैं बोलता था बाला साहब या आठवड़्याचा बुआहा का, तो हंसते थे, बोलते ऐसा क्यों बोलते हो। मैं बोला पिछले हफ्ते एक अलग बाबा का फोटो था यहाँ पे, ये हफ्ते अलग है, मेरे को मालूम है कि अगले हफ्ते और किसके, अरे तो चोर होता, डैमिस होता, तो क्या ऐसा क्या खर नहीं। तो बाला साहब हर हफ्ते ऑलमोस्ट 15 दिन के बाद उनका बाबा बुआ महाराज चेंज होता था। मगर इसका सर खासियत मिलिंद नार्वेकर का ये है कि उसने ज़िंदगी में बाला साहब के सिवाय कुछ सोचा नहीं, उसके परिवार के सिवा। और वो सर नौकर नहीं है वहाँ पे, वो पगारी नौकर नहीं है वहाँ पे, वो परिवार सदस्य है, ठाकरे परिवार का सदस्य है। सर उद्धव ठाकरे जी से मेरे मतभेद है, वो मैं खुल के बोलता भी हूँ, मैं शिंदे साहब का समर्थक हूँ, उनका मित्र भी हूँ, समर्थक भी हूँ, पर फिर भी मैं ये अफवाह फैलाने में मैं मदद नहीं करूँगा किसी, कोई जानबूझ कर ये अफवाह उद्धव जी और मिलिंद नार्वेकर के बीच में एक संशय, एक संभ्रम का वातावरण पैदा करने के लिए ये जानबूझकर कर रहा है। और मेरी खातिरी है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सर फैमिली फ्रेंड नहीं है, वो फैमिली मेंबर है, और काफ़ी लंबे समय चला आना सर, बड़ी बात है। 92 से मेरे ख्याल से जी, तो अभी देखो ना वो 18 साल, ये 22 साल, सर 35-40 साल ये आदमी उनके परिवार का सदस्य है, वो नहीं छोड़ेगा। और उद्धव जी कैसे कि संजय राउत और ये तुम्हारे उद्धव जी थे, वो मित्र थे। सर अभी इसी अभी बात हो रही थी, इसमें थोड़ा सा बता दीजिए कि मिलिंद नार्वेकर कैसे उनका पारिवारिक सदस्य बने, और क्या लगता है कि एकदम छोटे परिवार से आके, छोटे तबके से आके ठाकरे परिवार में आके घुसना और इतने लंबे समय तक उनके राजनीतिक जीवन में रहना कितनी बड़ी बात है, इसको सफर थोड़ा सा विस्तार छोटे से बता सकते हैं। इसमें कैसे है ना, घुसना ये शब्द ठीक नहीं है, सदस्य होना ये शब्द ठीक है। सर कैसे है ना कि वो बाला साहब के व्यक्तित्व से प्रभावित होके खुद ब खुद वहाँ पे गए कि मैं आपके काम, वो पहले दिन ही पीए या सेक्रेटरी नहीं बने, छोटे मोटे जो भी काम रहेंगे वो करते रहे। उसके बाद जब बाला साहब ने देखा कि एक भरोसेमंद आदमी जो सेक्रेटरी, सचिव सर, एक सचिव के रूप में कोई भरोसे का आदमी हर आदमी को लगता है, हर नेता को लगता है, जिनके आदमी भरोसेमंद नहीं होते या कार्यक्षम नहीं होते, कर्तव्यगार नहीं होते, वो नेता भी फेल हो जाते हैं कभी कभी। तो उन्होंने देखा कि इसमें काबिलियत है, तो बाला साहब ने बोला कि तू ये काम कर, ये काम कर, वो कोई पद उनको कभी दिया भी नहीं गया, आज भी नहीं। बाद में वो मैंने अभी वो नेता भी हैं, ये तुम्हारे सचिव भी हैं, ये हैं, वो हैं, मगर पद की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, वो काम करते रहे, सेवा कर, सेवा भाव से करते रहे, और उन्होंने दिल जीत लिया बाला साहब का। और उसके लिए फिर ऐसा है कि वहाँ वो रहते हुए उन्होंने भी उनका भला चाहा, उद्धव जी ने भी भला चाहा, और उनको हमेशा एक सम्मान से, सर बाला साहब के यहाँ परसों थापा और ये तुम्हारा राजे इसमें गए, उनके केयर टेकर शिवसेना शिवसेना सर, वो उन वो न वो एकदम नौकर लेवल पे थे जी। उद्धव अपना ये तुम्हारा मिलिंद नार्वेकर कभी नौकर नहीं था, उनका परिवार सदस्य था, राजे और थापा ये नौकर थे, नौकर केयरटेकर थे उनके, हाँ केयरटेकर थे वो सर, बर्तन मानने से कुछ भी करने के लिए आगे पीछे नहीं देखते थे। राजे वगैरह जो हैं वो सब एक नौकर के हिसाब से थे, सर ये कभी नौकर नहीं बना उनका, गुलाम नहीं बना, ये हमेशा उनके परिवार का सदस्य, कुटुंब का सदस्य होना अलग बात है, तो वो कुटुंब के सदस्य रहे, और वो कुटुंब से उनकी जो निष्ठा है सर, उसको कोई चैलेंज करे और ये अफवाह फैलाए तो वो 100% मतलब उसका नुकसान करना चाहता है कि उनके मन में भी शक पैदा करना चाहता है, वो उद्धव के मन में भी ये शक पैदा नहीं होता है, होगा नहीं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इसकी और अपनी रिलेशनशिप क्या है। और पूरे परिवार से आदित्य, तो आज की तारीख में ऐसा है कि आदित्य का चाचा अगर कोई है तो वो मिलिंद नार्वेकर हैं, इसका भी तुम्हारे तेजस का भी, उनके परिवार में इसका अगर बंधु कोई है अपने रश्मि वहिनी का, तो यही है, तो ये नाता जो है वो अलग टाइप का है। और 100% मैं लिख के देता हूँ, मैं आज सेव करके रखो ये वीडियो, मिलिंद नार्वेकर
कभी भी जिंदगी में शिंदे साहब के साथ नहीं जाएंगे, ये पूरी अफवाह है और मेरे इनकार करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर उन्होंने इनकार किया है और वो सच्चा है। धन्यवाद। लेकिन शिंदे साहब से मिलने जा रहे हैं, ये भी खबर। सर मिलने के लिए क्या होता है भाई, मैं भी मिलिंद नार्वेकर को मिला, इसको मिला, कल शायद हो सकता है कि अभी एक पुणे ये नवरात्रि के बाद और दिवाली के पहले अमेरिका जाने से पहले मैं शायद उद्धव जी से भी मिल सकता हूँ। मिलने से क्या होता है, मिलना जुलना तो होना चाहिए। संजय नहीं मिलता था क्या सबको? संजय तो मोदी और शाह से लेकर सबको मिलता था, तो उसके ऊपर कभी शक नहीं किया। तो शिंदे साहब को मिलना कोई पाप थोड़ा है, वो पब्लिक फिगर है भाई, शिवसेना के और उनके बीच में एक बफर भी होना चाहिए। बिल्कुल, हर साहब संघर्ष नहीं होता है। कभी कभी अभी देखो कि शिंदे साहब ने शिवाजी पार्क को नहीं चैलेंज किया, शिवाजी पार्क उन्होंने सबमिट किया कि भाई ठीक है शिवाजी पार्क में आप करो ये करो। सर अभी बहुत थोड़े लोगों को मालूम है कि ये जो मैसेज है कि शिवाजी पार्क शिवसेना के लिए छोड़ दो, उद्धव ठाकरे के लिए छोड़ दो और आप बीकेसी में आपका मेला हुआ आपकी तरफ करो, ये जो एक ये आया उनके एटीट्यूड में शिंदे साहब के चेंज आया और उन्होंने विड्रॉ कर लिया विरोध जी, उसका श्रेय मिलिंद नार्वेकर को जाता है। ये सिर्फ मेरे जैसे जा सकते थे, जाने वाले थे, मगर मिलिंद और उनकी बात होने के बाद उन्होंने भी ये भूमिका एक्सेप्ट कर ली कि भाई ठीक है, इसमें उनका एक परंपरा है, वो परंपरा रखते हैं हम लोग। उसमें पॉलिटिकल हेतु ये था कि भाई सहानुभूति नहीं मिले, वो भी समय उसी परंपरा में तो भी थे। हाँ वो भी कल तक थे। सर ऐसा है कि अभी ज़्यादा गैप बहुत ज़्यादा है, नहीं तो मैं ये भी बोलता था कि एक दिन मिलिंद नार्वेकर ही इन दोनों को साथ में लेके बैठेगा, मगर अभी नहीं, अभी ये पॉसिबल नहीं और मिलिंद जाएगा नहीं, ये पक्का है। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे मिलिंद नार्वेकर जी के बारे में, जो अभी कुछ खबरें उड़ रही थी कि वो एकनाथ शिंदे से मिलने वाले हैं और हो सकता है कि वो एकनाथ शिंदे से जुड़ भी जाएं, लेकिन हालांकि ये हमने चर्चे में पाया कि ये अफवाह है और अफवाह ही रहेगा और ऐसा होना पॉसिबल नहीं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।